नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है इस आदर्श विद्या निकेतन की जो आपके ऑनलाइन यूट्यूब क्लास चल रही है। इसमें आज हम नेक्स्ट जो आपके बायोलॉजी का चैप्टर चल रहा था, जो रासायनिक संबंध में जो आपके अंतःस्रावी ग्रंथियों वाला, उसमें जो आपके अगली नेक्स्ट ग्रंथि रहेगी वो ग्रंथि है आपके थायराइड ग्रंथि में। बाकी में जो आपके, एक तो मैंने आपको पीयूष ग्रंथि पढ़ा दी, एक आपकी जो पीनियल ग्रंथि थी वो हमने कंप्लीट कर ली थी। आज जो हमारी थर्ड नंबर जो ग्रंथि है वो थर्ड नंबर ग्रंथि आपके कौन सी है, थायराइड ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थायराइड ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। टोटल आपके 9 ग्रंथियां हैं और 2 ग्रंथियां हमने पढ़ ली थी। आज जो हम थर्ड ग्रंथि स्टार्ट करने जा रहे हैं, उस थर्ड ग्रंथि का नाम क्या, आपके थायराइड ग्रंथि। क्या नाम है? थायराइड ग्रंथि। अब देखो, इस थायराइड ग्रंथि में आपको क्या याद रखना है, मेन जो आपके टॉपिक है उनमें से आपको क्या क्या याद रखना है। ठीक है, एक तो थायराइड ग्रंथि की आपको स्थिति याद होनी चाहिए कि ये थायराइड ग्रंथि स्थित कहाँ पे होती है। तो ये ध्यान रखना, जो थायराइड ग्रंथि होती है, एक आपके बुक में नाम दिया गया ट्रेकिया। ट्रेकिया मतलब जो श्वास नली होती है, आपके जो कंठ होते हैं यहाँ पे गले में, श्वास नली के पास में स्थित होती है। ठीक है, ये आपके श्वास नली या आप स्वर यंत्र भी बोल सकते हो, स्वर यंत्र के पास में कौन सी स्थित होती है, आपके थायराइड ग्रंथि। स्वर यंत्र या श्वास नली के पास स्थित होती है, एक बात तो ये हो गई। अब सेकेंड बात क्या याद रखनी है कि मानव की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी, आपके थायराइड ग्रंथि। मानव की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, मानव की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी, आपके थायराइड ग्रंथि है। और अगर आपको सिर्फ ग्रंथि का पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो कौन सी ग्रंथि हो जाएगी, आपके लीवर, यकृत ग्रंथि हो जाएगी। और अगर आपको वहाँ पे पूछे अंतःस्रावी का नाम आ जाए, तो आप क्या लिखोगे, थायराइड ग्रंथि है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम बोले तो कौन सी हो जाएगी, आपके पीयूष ग्रंथि हो जाएगी, सबसे छोटी मानव की अंतःस्रावी ग्रंथि। फिर आगे बात करते हैं कि आपके थायराइड ग्रंथि की, एक तो हमने स्थिति की बात कर ली, स्थिति के अलावा ये आपके मानव शरीर की आपकी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसके बाद में इसके आकार की बात करते हैं कि इसका आकार कैसा होता है। आकार ध्यान रखना, इसका आकार एच के आकार का होता है, जो आपके गले में ये आपके एच आकार में इस प्रकार पाई जाती है, ये आपके थायराइड ग्रंथि है। ठीक है, इस प्रकार की एच आकार की ये ग्रंथि कौन सी है, एच आकार की कौन सी ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है। अब देखना, इस थायराइड ग्रंथि में आप ये कि जो थायराइड ग्रंथि होती है, इस थायराइड ग्रंथि के आपके पृष्ठ पार्श्व भाग में भी आपके चार ग्रंथियाँ उपस्थित होती है, या आप दो जोड़ी बोल सकते हो, ये ग्रंथि आपकी कौन सी हो जाएगी, पैराथायराइड हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, पैराथायराइड। जब हम पैराथायराइड पर जो आगे पढ़ेंगे तब वहाँ पे इसके बारे में हम क्लियर एकदम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में, पैराथायराइड ग्रंथि, और ये कौन सी आपके थायराइड ग्रंथि हो जाएगी। ठीक है, अब ध्यान रखना, आकार की हमने बात कर ली एच आकार का, और अगली बात आती है कि ये थायराइड ग्रंथि, इसका आकार पुरुषों में बड़ा होता है या महिलाओं में बड़ा होता है, इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखना, अपने आप पता चल जाएगा कि जो आपके थायराइड ग्रंथि होती है वो महिलाओं में बड़ी होती है या पुरुषों में बड़ी होती है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपके जो महिलाएं होती है, इन महिलाओं में जो आवाज़ होती है, इनकी आवाज़ कैसी होती है, पतली होती है, कैसी होती है, पतली। जबकि जो आपके पुरुष होते हैं, इन पुरुषों की आवाज़ कैसी होती है, आपकी मोटी होती है, आवाज़ कैसी होती है, मोटी। तो पतली आवाज़ के लिए जो आपके स्वर यंत्र होता है वो भी क्या होता है, छोटा होता है। स्वर यंत्र क्या होता है, छोटा। पतली आवाज़ के लिए स्वर यंत्र क्या होता है, छोटा। और मोटी आवाज़ के लिए स्वर यंत्र कैसा होता है, बड़ा होता है। स्वर यंत्र बड़ा होता है। अब ध्यान देना कि स्वर यंत्र इसमें छोटा और इसमें स्वर यंत्र क्या है, बड़ा। तो महिलाओं में क्या होता है कि स्वर यंत्र छोटा होता है, इसीलिए थायराइड ग्रंथि को फैलने के लिए आकार पूरा क्षेत्रफल आपको मिल जाता है,
किसको? थायराइड ग्रंथि को। महिलाओं में ध्यान में रखना कि जो आपके स्वर यंत्र होता है वो छोटा होता है, और जो थायराइड ग्रंथि होए उसको फैलने के लिए पूर्ण रूप से आकार मिल जाता है। इसीलिए जो आपकी महिलाएं होती है उन महिलाओं में थायराइड ग्रंथि आपकी क्या होती है? बड़ी। थायराइड ग्रंथि का आकार, थायराइड का आकार बड़ा होता है। ये ध्यान में रखना। कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर कि महिलाओं की आवाज़ कैसी होती है? पतली। पतली आवाज़ के लिए स्वर यंत्र कैसा होता है? छोटा। और स्वर यंत्र छोटा है तो थायराइड ग्रंथि को फैलने के लिए पूर्ण रूप से आकार मिल जाता है। इसीलिए आपके महिलाओं में आपके थायराइड ग्रंथि कैसी होती है? बड़ी। किसके मुकाबले? पुरुषों के मुकाबले, क्योंकि इनका स्वर यंत्र क्या होता है? बड़ा होता है, और थायराइड ग्रंथि को फैलने के लिए आकार पूर्ण रूप से क्षेत्रफल नहीं मिल पाता। इसलिए ये आपके जो थायराइड ग्रंथि होती है ये पुरुषों में आपके क्या होती है? थायराइड ग्रंथि का आकार छोटा होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यहाँ पे? ठीक है कि महिलाओं में थायराइड ग्रंथि का आकार बड़ा, जबकि पुरुषों में थायराइड ग्रंथि का आकार क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, अब अगली बात करें कि इसका भार कितना होता है थायराइड ग्रंथि का। तो भार की बात करें तो थायराइड ग्रंथि का भार होता है आपके 3 से 4 ग्राम। कितना होता है? 3 से 4 ग्राम। कहीं कहीं पर 2 से 3 ग्राम भी आपको इसका भार मिलेगा। ये अभी तक आपको नॉर्मल डिटेल्स बताइए कि थायराइड ग्रंथि है ये आपके स्वर यंत्र या श्वास नली के पास स्थित होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। आकार इसका एच आकार का होता है। यह मैंने संरचना बनाई है यहाँ पे। और आपके महिलाओं में आवाज़ पतली तो स्वर यंत्र छोटा, तो जो थायराइड ग्रंथि है उसको फैलने के लिए आकार मिल जाता है। तो थायराइड ग्रंथि इनमें क्या होती है? बड़ी। और जबकि पुरुषों में थायराइड ग्रंथि क्या होती है? छोटी होती है। ये आपके इतना कॉन्सेप्ट एक बार आप इनको ध्यान में रखना, और एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इनको अच्छे से नोट कर सकते हो, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। अब देखो, अब आगे बात करते हैं इनके हार्मोनों की कि थायराइड ग्रंथि के द्वारा कौन कौन से हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। अब उन हार्मोनों को मैं एक करके आपके सामने डिटेल से बता रहा हूँ। अब देखो हार्मोनों की बात करते हैं। हार्मोनों में आप ध्यान रखना कि इस थायरस जो आपके थायराइड ग्रंथि है, इस थायराइड ग्रंथि के द्वारा आपके 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। कितने प्रकार के हार्मोन? 2 प्रकार के। एक तो हो जाएगा थायरोक्सिन हार्मोन, और एक हार्मोन होता है आपके कैल्सिटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है? कैल्सिटोनिन हार्मोन। अब देखो इसमें सबसे पहले हार्मोनों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? हार्मोन। कौन कौन से हार्मोन स्रावित किए जाते हैं? ध्यान रखना इस ग्रंथि के द्वारा 2 हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। कितने हार्मोन? 2 हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। अब ये 2 हार्मोन कौन कौन से? एक तो है आपके थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन हार्मोन। और जो आपके दूसरा हार्मोन है वो हार्मोन है कौन सा? आपके कैल्सिटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? कैल्सिटोनिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन। अब सबसे पहले बात करते हैं इस थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में कि ये थायरोक्सिन हार्मोन हमारे शरीर में क्या कार्य करता है, इसकी कमी से कौन से रोग होने वाले, क्या प्रभावित होता है हमारे शरीर में। अब वो उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं हमारे थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में। किसके बारे में? थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में। तो थायरोक्सिन हार्मोन में आपको ये याद रखना है कि जो थायरोक्सिन हार्मोन है 2 रासायनिक पदार्थों से बना होता है। कितने रासायनिक पदार्थों से? 2। अब देखो जो थायरोक्सिन हार्मोन है ये 2 प्रकार के रासायनिक पदार्थों से बना है। एक तो T4, एक आपके T3। T4 का मतलब होता है टेट्रा आयोडो थायरोनिन, जबकि T3 का मतलब है ट्राई आयोडो थायरोनिन। ये आपके इनका तो पूरा नाम है। पहले ये 2 रासायनिक पदार्थ हैं। इन 2 रासायनिक पदार्थों के द्वारा इस थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण होता है। अब ध्यान रखना कि जो थायरोक्सिन हार्मोन है इसके संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आयोडीन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? आयोडीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, किसकी आवश्यकता होती है? आयोडीन की। इसीलिए इस हार्मोन को, थायरोक्सिन हार्मोन को, आयोडीन युक्त हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आयोडीन युक्त हार्मोन भी कहते हैं। आयोडीन युक्त हार्मोन भी कहते हैं। ये बात आप ध्यान में रखना, ठीक है। अब क्या होता है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि हमारे शरीर में अगर आयोडीन की कमी हो जाती है,
अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो आपने एक नाम सुना होगा कि गलगट या गेंगा रोग हो जाता है ना। अब उस गलगट या गेंगा रोग में क्या होता है उसको कारण सहित आप यहाँ पे समझना। इसी के आगे की मैं बात यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, ठीक है, इससे आगे की बात मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ। अब देखना यहाँ पे कि हमारे शरीर में अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो जो थायराइड ग्रंथि क्या करती है कि आयोडीन को अवशोषित करने के लिए हमारे पूर्ण रूप से शरीर से आयोडीन को अवशोषित करने के लिए क्या करती है, फैल जाती है चारों तरफ, कि शरीर में जितना भी आयोडीन है वो क्या कर ले, खुद ग्रहण कर ले। तो इस कारण इस थायराइड ग्रंथि का आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और इस थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है तो इसे कौन सा रोग होता है, आपकी गलगंट या गेंगा रोग होता है। कारण समझना कि गेंगा या गलगंट होता क्या है कि अगर थायराइड ग्रंथि में क्या होता है आपके कि जो हार्मोन होता है, कौन सा हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन के लिए आयोडीन आवश्यक है। अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो ये थायराइड ग्रंथि क्या सोचती है कि बाकी शरीर में तो आयोडीन होगा, तो ये आपके इस हिसाब से सोच करके क्या करती है कि थायराइड ग्रंथि शरीर का जितना भी आयोडीन है उसको ग्रहण करने के लिए चारों ओर फैल जाती है, अपने आकार में थोड़ी सी वृद्धि कर लेती है। तो इस वृद्धि के कारण क्या होता है, थायराइड ग्रंथि में वृद्धि हो जाती है, आकार में वृद्धि हो जाती है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, गलगंट या गेंगा रोग। अब देखना क्या होता है कि शरीर में आयोडीन की कमी होने पर जो थायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि अपने आकार में वृद्धि कर लेती है, अपने आकार में क्या कर लेती है, वृद्धि कर लेती है। और इसी को क्या बोलते हैं आपके गलगंट या आप इसे क्या बोलते हैं, गेंगा के अलावा एक और नाम है गोइटर रोग, क्या बोल सकते हैं, गोइटर रोग। ये आपके गोइटर, गेंगा या गलगंट रोग, ये हो गया इसका कारण। शरीर में आयोडीन की कमी तो ये थायराइड ग्रंथि क्या करती है, शरीर से आपके आयोडीन ग्रहण करने के लिए अपने आकार में क्या कर लेती है, वृद्धि कर लेती है, फैल जाती है कि शरीर में कहीं से तो आयोडीन मिलेगा तो थोड़ा सा आकार में वृद्धि हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं, गलगंट गेंगा या गोइटर रोग बोलते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब अगली बात करते हैं कि जो आपके पहाड़ी क्षेत्रों पर रहते हैं लोग, आपने देखा होगा कि उनमें आपके क्या होता है कि सर्वाधिक गेंगा पाया जाता है, सर्वाधिक गोइटर रोग होता है उनमें होता है। क्यों होता है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों पर क्या होता है कि जो आपकी नदियां बहती है वो नदियां क्या करती है कि नमक को अपने साथ में बहा कर ले जाती है, पहाड़ों से नीचे की तरफ आती है नदियाँ तो अपने साथ में क्या करती है, नमक को बह कर ले जाती है। तो वहाँ पर क्या हो जाती है कि पानी में आयोडीन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो पानी में आयोडीन की कमी होगी तो पहाड़ी इलाकों में क्या होगा, आपके सर्वाधिक गेंगा या गोइटर रोग हो जाएगा। और पहाड़ी इलाकों में होने वाला जो गोइटर रोग है उस गोइटर रोग को बोलते हैं एंडेमिक गेंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंडेमिक गेंगा। ध्यान रखना कि पहाड़ी इलाकों में जो जल होता है, पहाड़ी इलाकों में नदियां आयोडीन को अपने साथ बहाकर ले जाती है, इसलिए वहां पे क्या होता है, आयोडीन की कमी हो जाती है। और पहाड़ी इलाकों में जो लोग रहते हैं उन लोगों में क्या होता है, आपके सर्वाधिक गेंगा रोग हो जाता है या आयोडीन की कमी हो जाती है। और इस रोग को बोलते हैं आपके एंडेमिक गेंगा। क्या बोलते हैं, एंडेमिक गेंगा बोलते हैं। बता दिया मैंने कि पहाड़ी इलाकों पर आपके क्या होता है कि जो आपके नदियाँ होती है वो नदियाँ क्या करती है, आपके आयोडीन को साथ में बहाकर ले जाती है, जिससे पानी में क्या हो जाती है, आयोडीन की कमी हो जाती है, जिससे जो पहाड़ी इलाकों में लोग रहते हैं उनमें जो गेंगा होता है उसे क्या बोलते हैं, एंडेमिक गेंगा बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, एक और बात इसमें आप ध्यान में रखना कि जो समुद्री भोजन करते हैं, जो भी मछलियों का भोजन करते हैं, समुद्री जितना भी फूड होता है, अगर उनका जो व्यक्ति आपके भोजन करता है उनमें कभी भी गेंगा नहीं होता। क्यों, क्योंकि समुद्री जो जल होता है, समुद्री जो भोजन उनसे ग्रहण करेंगे तो उनमें क्या होता है, आयोडीन होता है। तो समुद्री जो भी आपके फूड भोजन ग्रहण करते हैं उनमें कभी भी गेंगा रोग नहीं होता है। तो ये तो हो गए इनके कि कार्य क्या करते हैं, कौन कौन से रोग हो सकते हैं उनकी हमने यहाँ पर बात कर ली थी। अब देखना यहाँ पर कि एक अगली बात आती है कि इस थायरोक्सिन हार्मोन का हमारे शरीर में कार्य क्या है, थायरोक्सिन है इसका हमारे शरीर में कार्य क्या है, इसकी हम बात करते हैं। अब
ये एक बार आप सारे नोट कर लेना इनको अच्छे से, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं आगे बताने जा रहा हूँ आपको कि ये थायरोक्सिन हार्मोन है, इसका हमारे शरीर में कार्य क्या है, इसके कार्य की अब यहाँ पे बात करते हैं हम, थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य की बात। अब देखो यहाँ पे जो थायरोक्सिन हार्मोन है इसका कार्य क्या है, कार्य में ध्यान रखना, ये एक आपके शारीरिक व जननिक वृद्धि करता है। क्या करता है? शारीरिक व जननिक वृद्धि करता है। आपने देखा होगा कि जो आपके जिनमें थायरोक्सिन अगर की कमी हो जाती है, थायरोक्सिन हार्मोन की गेंगा रोग हो जाता है, तो उनमें क्या होता है कि उनके शरीर की वृद्धि नहीं होती, वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं, काम करने में क्या हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। तो एक बात और ध्यान रखना कि जो आपके थायरोक्सिन हार्मोन है, थायरोक्सिन हार्मोन में क्या होता है, एक आपके BMR ध्यान रखना। क्या ध्यान रखोगे? BMR। BMR का भी मैं पूरा नाम बताऊंगा, BMR प्रोपोर्शनल टू 1/12। मतलब क्या होता है BMR का पूरा नाम आपके बेसल मेटाबॉलिक रेट आधार्य उपापची दर, आधार्य उपापची दर मतलब ऊर्जा उत्पादन की जो दर है वही आपके क्या कहलाते हैं, BMR। जिसका भार क्या होगा आपके ज़्यादा, उसकी BMR क्या होगी, कम। BMR कम मतलब उसकी ऊर्जा क्या होगी आपके, कम। मतलब आप क्या बोल सकते हो, ऊर्जा उत्पादन की दर, इसको क्या बोल सकते हो, ऊर्जा उत्पादन की दर। अगर किसी का वेट भार क्या है आपके ज़्यादा, तो ये BMR क्या होगी, कम होगी, क्योंकि प्रोपोर्शनल मतलब समानुपाती, अगर ये कम होता है तो ये ज़्यादा होता है, इतना तो कॉन्सेप्ट आप जानते ही हो। BMR क्या होगी, अगर आपके ज़्यादा तो भार क्या होगा, कम। और आपने देखा होगा कि जिसका भार ज़्यादा है वो क्या कर सकता है, काम ज़्यादा कर सकता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, ये एक लाल है, ये आपकी लाली है, ठीक है। अब लाली का आकार क्या है, बड़ा, भार क्या है, ज़्यादा, और लाल का आकार क्या है, कम, वजन क्या है, कम। ये दोनों जा रहे हैं मेले में, लाल तो बेचारा चल रहा है आगे, लाली पीछे क्या करती है, गरीब रुक रहे, मुझे भी लेके चल, क्यों, क्योंकि इसका भार क्या है, ज़्यादा, भार ज़्यादा है मतलब क्या है, उसकी BMR क्या है, कम। BMR कम है मतलब क्या है, ऊर्जा उत्पादन की दर क्या है, कम। तो इस लाली में क्या होता है कि आपके चल ही नहीं पाती है ना जल्दी से, और ये लाल बेचारा स्पीड से आगे चल रहा है आराम से अपने, और ये लाली पीछे चल रही है, ये बोलती है गरीब रुक रहे, मुझे भी लेके चल। तो इसकी BMR क्या है आपके ज़्यादा, क्योंकि इसका भार क्या है, कम। तो ध्यान रखना BMR होता है वो किसके समानुपाती होता है, भार के समानुपाती होता है। और BMR होता है क्या, आपके बेसल मेटाबॉलिक रेट, आधारित उपापचय दर, ऊर्जा उत्पादन की दर होती है, ठीक है। अब ध्यान रखना एक आपने मेंढक का नाम सुना होगा, एक मेंढक और मेंढकी का नाम सुना होगा। इन दोनों में से आवाज़ कौन करता है, मेंढ की आवाज़ करती है, आवाज़ कौन करती है, मेंढ की आवाज़ क्या करती है कि मेंढक आ रहे, ये मेंढ की आवाज़ क्या करती है, इस मेंढक को बुलाती है, मेंढक बेचारा आ गया यहाँ पे, ठीक है। मेंढक किसके पास में है, मेंढकी के पास में। मेंढक बोला क्या, मेंढकी बोल क्या बोलना है तुझे, तो मेंढकी क्या करती है, देख यहाँ पे पानी में क्या है, अंडाणु है, क्या है, अंडाणु। और मेंढक क्या करता है, मेंढक क्या करता है, इन अंडाणुओं पर क्या डालता है, अपने शुक्राणु डालता है, क्या डालता है, शुक्राणु डालता है, क्या डालता है, शुक्राणु डालता है। अब अंडाणु और शुक्राणु के मिलन से, यहाँ पे जो मिलने से या सलयन की प्रक्रिया से लार्वा बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, टेडपोल। इस लार्वा को हम क्या कहते हैं, टेडपोल का निर्माण होता है। अंडाणु और शुक्राणु के मिलने से सलयन से लार्वा बनता है, टेडपोल बनता है। मेंढ की आवाज़ करती है, मेंढक को बुलाती है, क्या करना भाई, कि अंडाणु पर तुझे क्या डालना है, शुक्राणु डालने, क्या बनाना है, लार्वा बनाना है, टेडपोल बनाना है, हमारा बच्चा बनाना है। तो ये लार्वा ध्यान रखना आगे किस में रूपांतरित हो जाता है, आपके वयस्क में रूपांतरित हो जाता है। किस में रूपांतरित हो जाता है, वयस्क में रूपांतरित हो जाता है, किसके कारण, इस थायरोक्सिन हार्मोन के कारण। किसके कारण, थायरोक्सिन हार्मोन के कारण। अगर जैसे लार्वा में थायराइड ग्रंथि विकसित हो जाती है, तो ये लार्वा किस में रूपांतरित हो जाता है, आपके वयस्क में रूपांतरित हो जाता है। और अगर आपने इस लार्वा की थायराइड ग्रंथि निकाल दी यहाँ पे, तो ये कभी वयस्क बनेगा ही नहीं। अगर आपके लाल की भी कभी थायराइड ग्रंथि निकाल दे छोटा था, तब
तो वह कभी लाल ही रहेगा, आप उसको जन्म मरो तब भी आपको खिलाते ही रहना, उसको बच्चा ही रहेगा वो आपके लिए, वो कभी भी वयस्क में रूपांतरित नहीं हो सकता। तो थायराइड ग्रंथि है, इसका जो थायरोक्सिन हार्मोन है, इसका कार्य क्या हो जाएगा कि जो उभयचर होते हैं, उभयचर मतलब जो पानी में रहते हैं और जो आपकी ज़मीन पर मतलब स्थल पर भी रह सकते हैं, उनमें कायांतरण का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? कायांतरण का कार्य। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उभयचरों में कायांतरण करता है। कायांतरण मतलब लार्वा अवस्था को किस में चेंज करता है? आपकी वयस्क अवस्था में। अगर लार्वा की आपने यहाँ पे ये ग्रंथि निकाल दी, आपने लार्वा की जो आपके थायराइड ग्रंथि आपने निकाल दी, तो थायराइड ग्रंथि निकालने के बाद में ये हमेशा लार्वा ही रहेगा, कभी भी वयस्क में रूपांतरित नहीं होगा। ठीक है, तो लार्वा से वयस्क में रूपांतरित करने के लिए आपके कौन सी ग्रंथि या कौन सा हार्मोन आवश्यक है? थायरोक्सिन हार्मोन आवश्यक है। एक और इसमें कार्य आप ध्यान में रखना कि जो आपके थायराइड ग्रंथि होती है, इसके द्वारा जो थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है, वो आपके महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन साइकिल को क्या करता है? नियंत्रित करता है। क्या करता है? नियंत्रित करता है। अगर इस थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता या कमी हो जाए शरीर में, महिलाओं के शरीर में, तो महिलाएं कैसी हो जाती है? आपकी बांझ हो जाती। कैसी हो जाती? बांझ हो जाती। ये आप ध्यान में रखना इतना कॉन्सेप्ट। कार्य में देखो, शारीरिक वे जननिक वृद्धि करता है, उभयचरों में कायांतरण करता है, मतलब लार्वा टेडपोल से वयस्क बनाने में कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन हार्मोन। फिर अगली बात करते हैं कि यहाँ पे ये BMR प्रोपोर्शनल टू किसके होते हैं? 1/bar के। मतलब अगर बार आपके ज़्यादा है तो BMR क्या होगी? कम। मतलब कार्य करने की दर भी क्या होगी? कम। अब देखो इस BMR के बारे में थोड़ी यहाँ पे बात कर लेते हैं डिटेल से। अब देखो BMR किसकी कम होगी, ध्यान रखना, BMR ज़्यादा है, यहाँ पे देखो मैं एक कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ, BMR के आपकी ज़्यादा तो वो कार्य भी क्या कर सकता है? आपके ज़्यादा कर सकता है। ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, BMR ज़्यादा होगी तो भार क्या होगा? अपने आप ही कम होगा। और भार कम होगा, ये भार किससे कम कर सकते हैं हम ध्यान में रखना, भार है वो किससे कम कर सकते हैं हम? भार कम कर सकता है व्यायाम से, शारीरिक व्यायाम से क्या कर सकते हैं? भार कम कर सकते हैं। भार कम होगा किससे? शारीरिक व्यायाम से। अगर शारीरिक व्यायाम करेंगे तो हमारे जो उपापचय की दर है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा के उपापचय की दर, वो भी क्या होगी? आपके बढ़ेगी। उपापचय की दर बढ़ेगी तो शरीर के तापमान में भी क्या होगी? आपके वृद्धि। व्यायाम करते हैं तो आपने देखा होगा कि शरीर गर्म होता है, तापमान में वृद्धि होती है, और जो पसीने का स्त्रावण भी होता है वो क्या होता है? आपके अधिक होता है। जल संतुलन का भी कार्य करता है। और ध्यान में रखना कि हृदय स्पंदन की दर भी क्या हो जाती है? आपके बढ़ जाती है। हृदय स्पंदन की दर बढ़ती है तो श्वसन की भी दर बढ़ जाती है। ये सारे कॉन्सेप्ट एक साथ में जुड़े हुए हैं, ये ध्यान में रखना। उपापचय की दर बढ़ेगी। देखो भार कम कब होगा? जब आप व्यायाम करोगे। व्यायाम करोगे तो आपकी पाचन की शक्ति भी अच्छी होगी, तापमान में आपकी वृद्धि भी होगी। व्यायाम करते हो तो शरीर गर्म होता है, पसीना भी अधिक निकलता है, हृदय की धड़कन दर भी बढ़ती है और श्वसन दर भी बढ़ती है। तो आपके एक और कार्य क्या हो जाता है कि श्वसन दर बढ़ती है। तो ये सारा आपके किसके अंतर्गत आ गया? इस BMR के अंतर्गत। हमें क्या करनी है? BMR बढ़ानी है, हमारे शरीर की ऊर्जा को बढ़ाना है। एक आपने देखा होगा कि जो थायरोक्सिन हार्मोन है, ये थायरोक्सिन हार्मोन हमारे शरीर में RBC के निर्माण को प्रेरित करता है। किसके निर्माण को प्रेरित करता है? आरबीसी के निर्माण को प्रेरित करता है। अब ध्यान रखना, आपने कभी देखा होगा, आप कभी तांत्रिक के पास गए होंगे, है ना, कि आप बोलते हो सर मैं तो बीमार रहता हूँ, क्या करना है साधु महात्मा हमें बताइए। कि वो क्या बोलता है साधु महात्मा? एक बहुत दूर पहाड़ी पर आपको जाना है, वहाँ पे महादेव बैठे हैं, भोले शंकर बैठे हैं, उन भोले शंकर को आपको क्या करनी है? डेली की आपको सुबह 7 बजे जाकर के वहाँ पे क्या देनी है? आपको परिक्रमा लगानी है। कहाँ पे? पहाड़ी पर। ध्यान रखना जो पहाड़ी इलाके रहते हैं वहाँ पे ऊपर जाने पर क्या होता है? RBC के निर्माण की दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। RBC का निर्माण बढ़ जाता है, ठीक है, इसीलिए RBC का निर्माण बढ़ेगा तो RBC में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन किसका परिवहन करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है, और इससे आपके श्वसन की दर भी क्या होगी? अच्छी रहेगी। बस इसीलिए बोलते हैं कि पहाड़ी इलाकों पर आपको परिक्रमा देनी चाहिए।
ठीक है, ये इतना कार्य किसका हो गया, आपके इस थायरोक्सिन हार्मोन का कार्य हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो इसको आप लाइक और शेयर करना। अब देखो आगे एक और कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हम, अगर इस थायरोक्सिन हार्मोन की शरीर में कमी हो जाती है तो तीन रोग होते, कितने रोग होते, तीन रोग। देखो पहला रोग कमी से होने वाले रोग, कमी से होने वाले रोग। देखो अब रोग में आपको क्या याद रखना है, पहला रोग अगर इसकी कमी आपके छोटे बच्चों में हो जाए थायरोक्सिन हार्मोन की, तो उसे कहते हैं जड़ मानवता या इसे कहते हैं क्रीटेनिज्म। छोटे बच्चों में अगर इसकी कमी हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, जड़ मानवता या क्रीटेनिज्म। अगर इसकी कमी वयस्क अवस्था में हो जाती है, अगर इसकी कमी ध्यान रखना वयस्क अवस्था में हो जाती है, तो उसको कहते हैं मिक्सीडीमा। क्या कहते हैं, मिक्सीडीमा कहते हैं। वयस्क अवस्था में कमी को मिक्सीडीमा, छोटे बच्चों में कमी को क्या कहते हैं, जड़ मानवता। एक आपके रोग होता है हाशिमोटो या हाशिमोटो बोल सकते हो, हाशिमोटो या हाशिमोटो, इसे बोलते हैं थायराइड की आत्महत्या। अब देखो थायराइड की आत्महत्या से क्या मतलब होता है, ये एक लाल है, ये एक क्या लाली, इस लाली को ये लाल ले जाता है डॉक्टर के पास, किसके पास ले जाता है, डॉक्टर के पास, किसका इलाज करवाने के लिए, थायराइड ग्रंथि का इलाज करवाने के लिए। ठीक है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है, इनको थायराइड ग्रंथि को ठीक करने के लिए कुछ टेबलेट देता है। तो वो टेबलेट लेते ही क्या होता है कि टेबलेट लेने के कारण क्या होता है कि वो थायराइड ग्रंथि को ठीक करने के बजाय इस थायराइड ग्रंथि को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। जो एंटीबॉडी हम बाहर से लेते हैं थायराइड ग्रंथि को ठीक करने के लिए, वो एंटीबॉडी क्या करती है, इस थायराइड ग्रंथि को खुद को ही नष्ट कर देती है। तो इसी को क्या कहते हैं, थायराइड की आत्महत्या, या आप बोल सकते हो हाशिमोटो रोग। ठीक है, अब ध्यान रखना अगर इस हार्मोन की कमी से, तो ये तीन रोग मैंने बता दिए, अगर इस हार्मोन के आपके यहाँ पे ध्यान रखना वृद्धि हो जाए शरीर में, तो एक तो रोग हो जाता है आपके नेत्रोत्सदी। नेत्रोत्सदी मतलब जो आंखों के नीचे जो घेरे हैं आपके पल, इन घेरों में क्या हो जाते हैं, इनकी मात्रा बढ़ जाती है, जिससे आंख के सूज जाती है। एक रोग होता है आपके प्लूमर रोग, एक होता है आपके प्लूमर रोग, अधिकता से ये आपके दो रोग होते हैं, नेत्रोत्सदी और प्लूमर रोग। और प्लूमर रोग में क्या होता है कि आंखों के घेरे में जो आपकी गांठें बन जाती हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, प्लूमर रोग कहते हैं। तो आज के वीडियो में हमने ये सारा थायराइड ग्रंथि के बारे में पढ़ा था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अब जो हमारी नेक्स्ट ग्रंथियाँ रहेगी वो हम दो ग्रंथियाँ करेंगे, एक तो पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे, एक आपके जो थाइमस ग्रंथि उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर आगे जो आपकी बड़ी बड़ी ग्रंथियाँ उनको हम एक एक वीडियो के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। ठीक है, आप इसको अच्छे से देखें, आप इनको अच्छे से नोट कर सकते हैं, और आपकी कुछ राय हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।